सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इंग्लिश ट्यूटोरियल्स आशीष सर को और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप पा सके हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो गाइस, स्वागत है आपका वोकैब सेशन 04 में। 03 तक वी हैव डिस्कस 30 वर्ड्स एंड टुडे वी हैव न्यू 10 वर्ड्स। एज यू कैन सी हियर फ्रॉम 1 to 10 वी हैव टू डिस्कस 10 डिफरेंट वर्ड्स टुडे। द वेरी फर्स्ट वर्ड इज हिस्ट्रियोनिक विच इज एन एडजेक्टिव। हाउ कैन वी डिफाइन इट? What does it mean? It means dramatic. It means melodramatic. या फिर इसका synonym हो सकता है stagey, और या फिर हम कह सकते हैं hammy या theatrical। संभवतः आप समझ गए होंगे कि किस ओर इशारा है। histrionic का मतलब होता है नाटकीय, क्योंकि dramatic, theatrical ये कुछ दो वर्ड ऐसे थे जो आपको acquainted होंगे आप इन दो वर्ड से। बाकी सारे वर्ड्स आपके सिनोनिम्स हैं। बाकी एक नंबर से लेके पांच तक जो मैंने पांच सिनोनिम्स लिखे हैं सभी का मतलब है नाटकीय। तो हिस्ट्रियोनिक एक एडजेक्टिव है, इसका इस्तेमाल अगर आपको सेंटेंस में करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। हिस्ट्रियोनिक जेस्चर्स मीन्स नाटकीय हाव भाव। यहाँ पे एक एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल हुआ है। जैसे मैं हमेशा बताता आया हूँ, जेस्चर इज अ नाउन एंड बिफोर इट वी कैन यूज ओनली एन एडजेक्टिव, सो इट इज एन एडजेक्टिव। तो ये हुआ इसका इस्तेमाल एडजेक्टिव के रूप में। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि हिस्ट्रियोनिक एक नाउन भी हो सकता है, लेकिन नाउन के रूप में अगर इसका इस्तेमाल हम करते हैं तो केवल इसका यूज हम प्लूरल फॉर्म में ही कर सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर प्लूरल बनेगा, मीन्स इसका यूज हम करेंगे फिर हिस्ट्रियोनिक्स के रूप में यूज करेंगे, तब ये नाउन के रूप में यूज होगा जो कि ऑलवेज प्लूरल है, जो हमेशा ही प्लूरल होगा। इसके लिए आप सेंटेंस यूज करना चाहें तो आप कह सकते हैं शी इज यूज्ड टू हर मदर्स हिस्ट्रियोनिक्स। शी इज यूज्ड टू हर मदर्स हिस्ट्रियोनिक्स मीन्स वह अपने मदर के नाटकीय व्यवहार से चिरपरिचित है, बहुत आदि है, वो जानती है। सो दिस इज हिस्ट्रियोनिक्स एज नाउन एंड इट इज ऑलवेज प्लूरल। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इन अ सेंटेंस यूज। एंड नेमोनिक ट्रिक की अगर बात करें कि ट्रिक से हम कैसे याद करें, तो बहुत ही अच्छी सी ट्रिक इसकी हो सकती है। हिस्ट्रियोनिक की ट्रिक हो सकती है हिस्ट्री प्लस टॉनिक। इट इज ब्यूटिफुल ट्रिक, हिस्ट्री प्लस टॉनिक। हिस्ट्री का टॉनिक लेने पर एक कोई व्यक्ति है, जस्ट वी हैव टू इमेजिन एक ऐसा व्यक्ति है जिसने हिस्ट्री का टॉनिक लिया और वो ड्रामेटिक व्यवहार करना शुरू कर देता है, थिएट्रिकल उसका अपीरियंस हो जाता है, तो ये कहलाएगा हिस्ट्रियोनिक। तो हिस्ट्री प्लस टॉनिक से याद रह जाएगा कि हिस्ट्री का टॉनिक लेने से कोई व्यक्ति ड्रामेटिक और मेलोड्रामेटिक बिहेव करना शुरू कर देता है। तो दिस वॉज आवर फर्स्ट वर्ड ऑफ टुडेज सेशन, हिस्ट्रियोनिक विच इज एन एडजेक्टिव। मूव ऑन टू नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वन इज बाउट। बाउट का मतलब, बाउट का देखिए एक मतलब तो होता है, पहली बात तो ये कि सबसे पहली बात कि ये एक नाउन के रूप में इस्तेमाल होने वाला वर्ड है, और बाउट का प्रयोग हम कर सकते हैं रेसलिंग और बॉक्सिंग कॉन्टेस्ट के रूप में। रेसलिंग और बॉक्सिंग कॉन्टेस्ट, एक इसका मतलब हो सकता है अटैक ऑफ डिजीज। अटैक ऑफ ए डिजीज इज कॉल्ड बाउट। एक और इसका प्रयोग हो सकता है स्पेल ऑफ एक्टिविटीज। सो दीज थ्री थिंग्स डिनोटेड बाई बाउट। बाउट इज अ नाउन और इनका मतलब रेसलिंग और बॉक्सिंग कॉन्टेस्ट, अटैक ऑफ ए डिजीज, स्पेल ऑफ एक्टिविटीज। स्पेल ऑफ एक्टिविटीज का मतलब है ऐसा टाइम, ऐसा ड्यूरेशन, जैसे बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं तो उसको हम क्या कह सकते हैं, बाउट कह सकते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन हुई। सेंटेंस में यूज करने की बात हो तो हम यूज कर सकते हैं इसको, बाउट ऑफ इलनेस, बाउट ऑफ फीवर, बाउट ऑफ डिप्रेशन, इस प्रकार से इसका हम यूज कर सकते हैं सेंटेंस के अंदर। और ट्रिक अगर आपको यूज करना हो किस तरीके से आप मेमोराइज कर सकते हैं लंबे टाइम, कैसे आपको याद आएगा, कैसे स्ट्राइक करेगा, तो ट्रिक इसकी हो सकती है बी प्लस आउट, बाउट। अब यहां बी जो है, बी को आप बी ई के लिए यहां मैंने रखा है बी ई, क्योंकि यहां पे सिंगल लेटर का इस्तेमाल हुआ बी का, तो बी आउट। वेन एवर वी आर आउट ऑफ द हाउस, जब भी हम घर से बाहर हैं, देन वी आर इंडल्ज इन अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज। सो स्पेल ऑफ एक्टिविटीज के संदर्भ में बाउट आपको याद आ जाएगा बी प्लस आउट से। तो ये आपका आज का सेकेंड वर्ड हुआ बाउट। बाउट इज अ नाउन,
तीन तरीके के मतलब है, रेसलिंग और बॉक्सिंग कॉन्टेस्ट है, अटैक ऑफ ए डिजीज है एंड स्पेल ऑफ एक्टिविटीज है। यहां मैंने एक एग्जाम्पल दिया बाउट ऑफ फीवर जो कि अटैक ऑफ डिजीज के रूप में यूज किया गया है, और बी प्लस आउट से इसको आप याद कर सकते हैं। तो ये आपका दूसरा वर्ड था बाउट। मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, रैंकल। रैंकल इज अ वर्ब, रैंकल इज अ वर्ब, पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में अगर देखें तो वर्ब के रूप में इस्तेमाल करना होगा। इसका मतलब क्या है? रैंकल का मतलब है टू गेट इरिटेटेड, टू गेट इरिटेशन, या फिर हम कह सकते हैं टू गेट एंग्री। ये सब रैंगल के मतलब हैं। रैंगल का मतलब सीट भी हो सकता है, रैंगल का मतलब, रैंकल का मतलब रेज भी हो सकता है, गुस्सा हो जाना, चिढ़ जाना, ये सारे मतलब होते हैं रैंकल के। इट इज अ वर्ब, इट इज यूज्ड एज अ वर्ब, और सेंटेंस में इसका यूज करना हो रैंकल का तो व्हेन, व्हेन अ जोक वॉज कट ऑन हर फैमिली शी रैंकल्ड। जब उसके परिवार पर एक जोक किया गया तो उसे गुस्सा आ गया, शी गोट रैंकल्ड कह सकते हैं, शी रैंकल्ड कह सकते हैं। तो रैंकल का इस्तेमाल हमने वर्ब के रूप में किया है, गुस्सा हो जाना, चिढ़ जाना, या फिर गुस्से से उबल जाना, ये सारे मतलब रैंकल के द्वारा बताए जाते हैं। ट्रिक अगर हमें यूज करनी हो कैसे हम लंबे समय तक याद कर सकते हैं इसको, तो देखिए रैंकल को आप याद कर सकते हैं एंकल से। एक वर्ड यहाँ पे एंकल है, एंकल जो कि एक बॉडी पार्ट है, टकने को हम हिंदी में बोलते हैं एंकल। यदि एंकल पे चोट लग गई है तो बड़ी इरिटेशन होती है, बड़ा पेन होता है, तो उससे बड़ा गुस्सा आता है। तो एंकल इस तरीके से आप इमेजिन करें कि एंकल पे चोट लग जाने से इरिटेशन, गुस्सा, ये सब देखने को मिलता है, तो दिस इज कॉल्ड रैंकल। तो रैंकल इज अ वर्ब, इस तरीके से हमें यूज करना है। ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं, ये आपका सेंटेंस में यूज है, और ये नेमोनिक ट्रिक हमेशा की तरह नेमोनिक ट्रिक है एंकल। नंबर 4 की ओर मूव करते हैं दोस्तों, लुक्रेटिव। लुक्रेटिव का मतलब क्या है? देखिए लुक्रेटिव इज अ ब्यूटीफुल वर्ड एंड इज यूज्ड टू डिनोट प्रोड्यूसिंग वेल्थ। प्रोड्यूसिंग वेल्थ कह सकते हैं, या फिर आप इसको कह सकते हैं रिम्यूनरेटिव, या फिर आप इसको कह सकते हैं बेनिफिशियल या प्रॉफिटेबल, लाभदायक चीजों के लिए आप यूज कर सकते हैं क्या? लुक्रेटिव। लुक्रेटिव का मतलब है जो वेल्थ प्रोड्यूस करे, क्योंकि इसका सीधा सीधा संबंध में ट्रिक में अगर बात करूंगा तो यहां पे सीधा रूट वर्ड की बात करूंगा, किससे बना हुआ वर्ड है। इसका मतलब है प्रोड्यूसिंग वेल्थ, रिम्यूनरेटिव, बेनिफिशियल, प्रॉफिटेबल, हिंदी में आप कह सकते हैं क्या? लाभदायक। लाभदायक को हम क्या कहते हैं? लुक्रेटिव। तो यहां आप सेंटेंस एक बना सकते हैं, अ लुक्रेटिव डील, इट वॉज अ लुक्रेटिव डील, इट वॉज अ लुक्रेटिव डील। हेयर वी हैव यूज इट एज एन एडजेक्टिव बिकॉज हमने देखा पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होने वाला वर्ड है। इट वॉज अ लुक्रेटिव डील, तो एक लाभदायक डील थी। आप इसे याद करना चाहें तो मैंने कहा कि एक रूट वर्ड से बना हुआ वर्ड है, लुकर से बना हुआ वर्ड है, LUCRE, लुकर का मतलब होता है मनी। तो यहां इसी कारण से ये प्रोड्यूसिंग वेल्थ को डिनोट करने वाला वर्ड है, लुकर से बना वर्ड है लुक्रेटिव। तो लुक्रेटिव का मतलब क्या हो गया? बेनिफिशियल, प्रॉफिटेबल, रिम्यूनरेटिव, प्रोड्यूसिंग वेल्थ मींस लाभदायक। सो दिस वाज आवर फोर्थ वर्ड। नंबर 5, रिप्लेनिश। रिप्लेनिश इज अ वर्ब, रिप्लेनिश इज अ वर्ब, इसका मतलब होता है टू फिल। रिप्लेनिश का मतलब है टू फिल अप अगेन, फिर से भर देना, दोबारा से फिल कर देना, टॉप अप जैसे हम कहते हैं, हम रिचार्ज करवाते हैं, टॉप अप करवाते हैं, तो दोबारा बैलेंस को हम दोबारा से फिल करते हैं, तो हम क्या करते हैं? रिप्लेनिश करते हैं। तो टू फिल अप अगेन और टॉप अप, ये डिनोट किया जाता है रिप्लेनिश के द्वारा। अगर आपको यूज करना हो सेंटेंस के रूप में तो आप यूं कह सकते हैं अलाउ मी टू रिप्लेनिश द जग। तो ये इसका मतलब हुआ रिप्लेनिश का, अलाउ मी टू रिप्लेनिश द जग, रिप्लेनिश का मतलब हो गया टू फिल अप अगेन और टू टॉप अप। तो ये हुआ रिप्लेनिश एज अ वर्ब, इट इज अ वर्ब। यदि आप इसको ट्रिक वाइज यूज करना चाहें, नेमोनिक तरीके से सारा लेना चाहें, तो रिप्लेनिश का मतलब हो सकता है री प्लस प्लेन, री प्लस प्लेन, रिप्लेनिश। तो री मतलब दोबारा, फिर से, और प्लेन का प्लेन में आपने फ्यूल से, फिर से आपने फिलअप किया है, फिर से फ्यूल भरा है, तो उसको कह सकते हैं रिप्लेनिशमेंट, टू फिल अप अगेन और टू टॉप अप, इट इज कॉल्ड रिप्लेनिश। तो दिस वाज आवर फिफ्थ वर्ड रिप्लेनिश व्हिच इज यूज्ड एज अ वर्ब। नंबर 6 की ओर मूव करते हैं, गोबल। गोबल काफी बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, गोबल से मतलब क्या है? गोबल से मतलब है टू ईट ग्रीडीली, या फिर टू ईट रैपिडली, जल्दी जल्दी खाना, या फिर ग्रीडीली किस कोई चीज खाना है तो उसको हम बोलते हैं गोबल।
गॉबल को अगर आप यूज करना चाहें सेंटेंस में, देन यू कैन से डोंट गॉबल फूड लाइक दैट. डोंट गॉबल फूड लाइक दैट, क्योंकि गॉबल करके खाना बड़ा ही अजीब सा लगता है, तो इसलिए इंस्ट्रक्शन है, डोंट गॉबल फूड लाइक दैट, इट इज डिस्गस्टिंग. सो गॉबल, गॉबल मीन्स टू ईट ग्रीडीली, काफी दिनों से आपने खाना नहीं खाया है, एक साथ टूट के पड़ते हैं खाने पर, जल्दी जल्दी खाना स्टार्ट कर देते हैं, इट इज कॉल्ड टू गॉबल, इट इज अ वर्ब. गॉबल को यूज करना चाहें ट्रिक से, आप यूज कर सकते हैं गूगल से. गूगल जो कि इसका एक राइम से इसका जो प्रोनाउंसिएशन है उससे मैच करता हुआ, साउंड से मैच करता हुआ वर्ड है गूगल पे, जैसे हम जल्दी जल्दी रिजल्ट प्राप्त करते हैं. सो मेनी थिंग्स आर देयर ऑन गूगल लाइक दिस. गॉबल मीन्स जल्दी जल्दी हमें खाना खाता है, तो गूगल पे जल्दी जल्दी हमें रिजल्ट मिलते हैं, यहाँ जल्दी जल्दी हम खाना खाते हैं, तो गॉबल गूगल. टू ईट रैपिडली, टू ईट ग्रीडीली, इट इज गॉबल, इट इज यूज एज ए वर्ब. नंबर सेवन पे है इम्पेक्यूनियस, बहुत सिंपल सा, बहुत इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इज देयर इम्पेक्यूनियस. इम्पेक्यूनियस इज यूज एज एन एडजेक्टिव फर्स्ट ऑफ ऑल. इम्पेक्यूनियस, सबसे पहले मैं ट्रिक की बात कर लेता हूँ, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा आपको यहाँ पे कि कैसे यूज करना है. और ये ट्रिक नहीं, ये एक रूट वर्ड है, ये एटिमोलॉजी है इसका कि इम्पेक्यूनियस बना हुआ कैसे है. इम्पेक्यूनियस बना है इम प्लस पैक्यूनिया, इम प्लस पैक्यूनिया. इम इज, इम डिनोट्स नॉट नेगेटिव सेंस. वेन एवर वी यूज इम एज अ प्रीफिक्स इन अ वर्ड, इट मीन्स वी मेक इट नेगेटिव, वी मेक इट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. तो इम मीन्स नॉट एंड पैक्यूनिया मीन्स मनी. इफ समबडी डज नॉट हैव मनी ही इज कॉल्ड इम्पेक्यूनियस बिकॉज इट इज एन एडजेक्टिव. इम्पेक्यूनियस का मतलब क्या हो गया, इम का मतलब नॉट, पैक्यूनिया का मतलब मनी. तो जिसके पास पैसा नहीं होता है उसको हम बोलते हैं इम्पेक्यूनियस, तो जिसके पास पैसा नहीं होता उसे हम क्या बोलते हैं, गरीब, दरिद्र. तो इसको इंग्लिश में अगर आप सिनोनिम्स देखेंगे इसको, तो डेस्टिट्यूट एक सिनोनिम हो सकता है, पॉपर इसका एक सिनोनिम हो सकता है, पुअर हम यूज कर सकते हैं. तो ये सारे वर्ड्स डिनोट करते हैं, पेन्यूरियस एक वर्ड हो सकता है यहाँ पे, ये सारे सिनोनिम्स हैं गरीब के, दरिद्र के, जिसके पास पैसा नहीं है. वन हु हैज नो मनी इज कॉल्ड, नो मनी और लिटिल मनी इज कॉल्ड इम्पेक्यूनियस. सो इफ यू वॉन्ट टू यूज इट इन अ सेंटेंस देन यू कैन फ्रेम अ सिंपल सेंटेंस लाइक ही इज एन इम्पेक्यूनियस स्टूडेंट. ही इज एन इम्पेक्यूनियस स्टूडेंट, वह गरीब स्टूडेंट है. तो यहाँ इम्पेक्यूनियस जो है गरीब को डिनोट करने वाला एडजेक्टिव हुआ. सो इट इज़ अ न्यू वर्ड एंड व्हेनेवर यू यूज अ न्यू वर्ड इन योर सेंटेंसेस डेफिनेटली यू गेट कॉन्फिडेंस हाउ टू यूज वर्ड्स. सो लर्न दिस द आर्ट बिकॉज दिस आर्ट विल हेल्प यू अलॉट इन योर फ्रेमिंग सेंटेंसेज. सो नंबर एट की ओर मूव करते हैं. डाउस द न्यू वर्ड इज देयर, प्रोनंसिएशन इसका डाउस है, और डाउस एक वर्ब है, इसका मतलब होता है डाउस का टू पुट आउट. डाउस से मतलब है टू एक्सटिंग्विश, समझ गए होंगे आप, बुझाना, कोई लाइट को बंद करना, कोई आग बुझाना, कैंडल को बुझाना, इसके लिए हम यूज करते हैं क्या, डाउस. डाउस इज अ वर्ब. अदरवाइज डाउस कैन बी यूज टू गेट ड्रेंच्ड, भीग जाने को भी डाउस बोलते हैं. टू डिप इन टू वाटर इज कॉल्ड डाउस. तो ये सारे मतलब होते हैं डाउस के, बुझाना भी होता है, भीग जाना भी होता है, कोई लिक्विड के अंदर इमर्स्ड हो जाना, सॉक हो जाना, डिप कर देना, इन सारों को हम डाउस बोलते हैं. यूज करना है वर्ब की तरह तो इसका सेंटेंस बना सकते हैं, द कार वॉज डाउस्ड, द कार वॉज डाउस्ड इन पेट्रोल एंड सेट अ लाइट. कार को पेट्रोल में भिगो दिया गया पहले, उसके आग लगा दी गई, वो जला दी गई, तो ये कहलाएगा डाउस. इस प्रकार से डाउस को यूज करना है आपको. एक और सेंटेंस आप बना सकते हैं, डाउस द लाइट, डाउस द लैम्प मीन्स लैम्प को बंद करने के लिए कहा गया है. तो एक नया वर्ड है, आप इसको डेली रूटीन में यूज कर सकते हैं. तो डाउस यहाँ पे एक वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया गया वर्ड है. डाउस का अगर आपको यूज करना है ट्रिक से, कैसे आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, तो डाउस को आप याद कर सकते हैं ड्राउजी से. Drowsy, drowsy means whenever you feel drowsy, it means you feel like sleeping. जब भी आप drowsy है इसका मतलब आप सोना चाहते हैं, आपको नींद आ रही है, you are feeling sleepy. So drowsy, जब भी आप drowsy महसूस करते हैं तो क्या करते हैं, हम पानी अपने मुंह पे डालते हैं ताकि हमारी नींद उड़ जाए. तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं कि dip into water, मैंने कहा कि पानी में भिगोना, किसी लिक्विड में भिगोना. तो पानी यहाँ पे हम स्प्रिंकल करते हैं चेहरे पर ताकि हम ड्राउजी ना रहें. तो ड्राउजी से डाउजी याद रह जाएगा, डाउस याद रह जाएगा. तो ड्राउजी डाउस, इस तरह याद रखिएगा आप डाउस को. काफी इंटरेस्टिंग वर्ड है और इसको रूटीन में भी आप यूज कर सकते हैं. नंबर एट, नंबर नाइन पे वर्ड दे रखा है मैंकी. मैंकी का मतलब है अनप्लीजेंट,
व्हाट डज इट मीन अनप्लीजेंट. मैंकी से मतलब है डर्टी, मैंकी से मतलब है वर्थलेस. जो चीजें गंदी है, जो आपको अच्छा नहीं लगता है, जिस चीज से आप अवॉइड करते हो, दूर भागते हो, उस चीज को हम बोलते हैं मैंकी. इट इज अ डर्टी थिंग. Dingy is another synonym for this. So dirty we use, then instead of it, if we begin to use manky, then it becomes easy to frame sentence with a new word. So these kind of things should be adopted by student. So manky is an adjective and we can use it in a sentence like this. A manky carpet. मैंकी कारपेट मीन्स गंदा कारपेट. यहाँ डर्टी के स्थान पे हमने मैंकी को यूज़ किया और कुछ नहीं किया. बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल होने वाला वर्ड है. ट्रिक हम इसकी यूज़ कर सकते हैं, देखिए मैंकी तो आप मंकी से याद कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा इसका साउंड मैच करने वाला वर्ड है. एक मंकी है, बड़ा गंदा सा है, बहुत ही गंदा, उसका गंदा पानी गिरा हुआ उस पे, तो ये मंकी मैंकी से डर्टी आपको याद हो जाएगा. मैंकी मंकी, डर्टी, वर्थलेस एंड अनप्लीजेंट. And last word of today's session is niggle. It is also an important word, niggle. Niggle is a verb and it means to worry unnecessarily or excessively. बहुत ज़्यादा चिंता करना किसी चीज़ के बारे में, अनावश्यक रूप में चिंतित होना, niggle कहलाता है. Niggle का एक और मतलब हो सकता है to fight or to argue. Over, to argue over, you can say niggle to argue over petty things. बड़ी अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों पे अगर आप आर्ग्यू करते हैं तो उसको हम बोलते हैं निगल. अब निगल को आप याद कर सकते हैं निगल ट्रिक से, निगल निगल. हिंदी में जो निगल बोलते हैं अपन, जैसे कि कोई व्यक्ति चिंतित है, बहुत बीमार है, तो कोई व्यक्ति उसे सलाह देता है कि ज़्यादा चिंता मत कर और जल्दी से दवा निगल ले ताकि तेरी बीमारी ठीक हो जाए. ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, डोंट वरी एट ऑल, जस्ट निगल द कैप्सूल्स और पिल्स एंड सिरप, वट एवर यू हैव, वट एवर हैव बीन एडवाइज और प्रेस्क्राइब बाय द डॉक्टर. निगल, जल्दी से निगल ताकि आप ज़्यादा चिंता ना करें. तो ये निगल से, निगल आपको याद हो जाएगा, जल्दी से दवा निगल ताकि चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं है, तो ये कहलाता है निगल. इसका सेंटेंस में हम यूज़ कर सकते हैं निगल का, डोंट निगल ओवर अनइम्पोर्टेंट और इनसिग्निफिकेंट थिंग्स. महत्वहीन चीज़ों पर ज़्यादा चिंता मत करो, ज़्यादा आर्ग्यू करने की आवश्यकता, ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, तो ये कहलाएगा निगल, जो कि एक वर्ब के रूप में इस्तेमाल होने वाला वर्ड है. तो ये हमारा सेशन नंबर 4, वोकैबुलरी 04. हमने डिस्कस किया 10 वर्ड्स हमने डिस्कस किए, बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड्स हैं. पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने डिस्कस किया है, सेंटेंस में यूज़ देखा है, नेमोनिक ट्रिक्स देखी हैं. कल हम फिर से मिलेंगे एक नए सेशन के साथ में, लेकिन एक बात यहाँ पे मैं आपसे करना चाहता हूँ कि यदि कोई नेमोनिक ट्रिक आपको और बेहतर अच्छे से स्ट्राइक होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर उस नेमोनिक ट्रिक को सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे द्वारा बताई गई ट्रिक्स है वही ज़्यादा अच्छी हों. हो सकता है आपके दिमाग में और बेहतरीन ट्रिक्स हों, आप उनको यूज़ करें ताकि अन्य जो भी जुड़े हुए चैनल से लोग हैं उनको फ़ायदा हो सके. टिल नेक्स्ट सेशन, गुड बाय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.